दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेसन का चीला। तो देखिए, बेसन का चीला बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन। तो 1 कटोरी हमने बेसन लिया है और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे अपनी रवा सूजी, तो इसको भी मैंने लिया है। और एक मैंने ये बड़े साइज का प्याज जिसको पतले पतले पीस में कट कर लिया है। तो आपको प्याज एकदम पतला काटना है। और ये हरी मिर्च है जो मैंने स्वाद अनुसार लिए है। तो 2 हरी मिर्च मैंने बिल्कुल पतले पीस में काट लिए हैं। आधा चौथाई चम्मच मैंने ली है हींग और चौथाई चम्मच लिया है जीरा। तो चलिए हम चीला बनाने की तैयारी करते हैं। एक ऐसे बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें अपनी 1 कटोरी ये बेसन डाल देंगे। 1 कटोरी बेसन में हम ये बड़ी चम्मच 1 चम्मच इसमें डालेंगे सूजी रवा। तो 1 चम्मच से आप ज़्यादा ना डालें, 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे। हम अपनी ये हरी मिर्च देंगे, अपना ये कटा हुआ प्याज, ये हींग 1/4 चम्मच, जीरा, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। आप जैसा नमक खाते हैं उसी हिसाब से अपना नमक डालिए। स्वाद अनुसार लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप जैसा खाते हैं उसी हिसाब से डालिए। 1/4 चम्मच लेंगे गरम मसाला, 1/4 चम्मच से भी कम लेंगे हम ये हल्दी पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। तो देखिए, ऐसा बैटर हमने बना लिया है। इससे ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट करीब हो गए हैं। तो अब हम इसको खोलेंगे। तो देखिए, बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन आप जरूर डालिएगा, अजवाइन से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ कि कितना पतला रखना है आपको। तो आपको इतना पतला रखना है। देखिए कितना पतला आपको रखना है, इससे ज्यादा गाढ़ा मत रखना। तो देखिए फ्रेंड, तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हल्का सा डालूंगी फॉर्चून। तो आप इसमें सरसों का तेल मत डालना, फॉर्चून ही डालना। अच्छे से पूरी तवा पे कर देंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीला का बैटर। तो आप ऐसे चीला का बैटर इस पे डाल दें, ऐसे संभाल के। जितना पतला आप इसे कर सकती हैं उतना कर लें। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इस पे डालेंगे फॉर्चून, बिल्कुल हल्का सा आपको डालना है। अच्छे से इसको पकने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से हमारा एक साइड पक गया है। तो अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी एकदम से हो गया है। अच्छे से इसको दूसरी साइड भी सेकेंगे। तो देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छे से हो गया है, अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसको रखेंगे प्लेट में। दूसरा डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप इस तरीके से 2-3 भी एक साथ इनको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से आप देखिए, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम इसको निकालेंगे। ऐसे अच्छे से आप फ्राई कर लें। इसको पलटेंगे। देखिए अच्छे से हो गया है ये भी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे गर्मा गर्म चीला देखिए कितने बढ़िया हैं एकदम से। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया हैं एकदम से। गरम गरम चीला। तो आप भी फ्रेंड बनाइएगा, आप इसको सुबह शाम कभी भी खा सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं एकदम से हमारे। तो देखिए कितना बढ़िया एकदम से बना है हमारा चीला। देखिए देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड चीला हमारे बनकर के तैयार हैं। आप अपनी मनपसंद की चटनी, खट्टी मीठी किसी के भी साथ इसको खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें रवा डाली है तो इसलिए हमारे ये बहुत क्रिस्पी हो गए हैं एकदम से। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस आप मीडियम ही रखें, फिर देखना कितना टेस्टी बनता है हमारा नाश्ता। तो बनाइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।